एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार और इस गुरुवार में हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं। तो विदाउट ऑनियन गार्लिक आज मेरे लंच मेन्यू में क्या क्या है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ एक खिचड़ी, इसको हम दोला खिचड़ी बोलते हैं, उड़ीसा में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके साथ में बनाऊंगी ये डालमा जो कि विदाउट ऑनियन गार्लिक है। खिचड़ी के साथ, इस खिचड़ी के साथ बनाते हैं राम रोचक की करी, लेकिन उसका कुछ सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैं दालमा बनाऊंगी। और उसके साथ मैं बनाऊंगी पायस। पायस के लिए भी मैंने यहाँ पे चावल भिगो के रखी है और उसके साथ एक टमाटर की एक चटनी, तीखा वाला चटनी, मीठा वाला नहीं, तीखा वाला चटनी बनाऊंगी क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को वो तीखा वाला चटनी ही अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुकिंग और मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैं ये सब कैसे बना रही हूँ और उसका स्टेप्स भी आपको बताती जाऊंगी और क्या क्या सामान इसमें लग रहा है वो भी अब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हमारा पहला जो रेसिपी है वो है दोला खिचड़ी, उसको ओडिया में दोला खिचड़ी बोलते हैं। उसको बनाने के लिए पहले उसका मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए अदरक और बड़ी इलायची और ब्लैक पेपर और इलायची, इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, मतलब एक साथ ही उसको मिला के पीस लेंगे। तो मैंने उसको पीस लिया है, उसको ज़्यादा बारीकी से पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब मिक्स हो जाना चाहिए। उसके साथ हमें चाहिए 2 तेज़पत्ता। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले गैस में कुकर रख के उसको अच्छे से हीट कर लेंगे। कुकर हीट हो जाने के बाद उसमें डालेंगे घी, ये हम घी में बनाएंगे, इसके लिए हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। घी थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे हम वो तेज़पत्ता। उसके बाद हमने जो वो मसाला तैयार किया है उसको भी डाल देंगे। उसको हम घी में फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक। उस मसाला को फ्राई करने के बाद अब डाल देंगे वो दाल और चावल जिसको मैं 15-20 मिनट पहले ही भिगो के रखी थी पानी में। अब उसमें ऐड करेंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी। अब उसको अच्छे से मिक्स करके 3-4 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। उसको फ्राई करने के बाद अब हम पानी डालेंगे, तो पानी हम जितना चावल लिए हैं उससे 3-4 कप ज़्यादा ही डालेंगे। फिर उसको मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे चीनी, 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम हाई फ्लेम में उसको रखेंगे 3 सीटी तक। 3 सीटी ख़त्म होने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और वेट करेंगे जब तक कि उसका जो गैस है वो अपने आप निकल ना जाए। फिर उसको एक कंटेनर में निकाल के 2-3 चम्मच उसके ऊपर घी डाल देंगे और उसको ढक के रख देंगे। अब खिचड़ी हमारा बन के तैयार हो गया है। हमारा सेकेंड रेसिपी है पायस। उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर मिल्क लिया है। पहले हम उसको बॉयल करेंगे, जब उसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए उसमें ऐड करेंगे चावल। चावल को मैंने आधा घंटा पहले ही वाटर में भिगो के रख दिया था तो उसको हम ऐड कर देंगे। उसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे लग ना जाए। चावल हमारा अच्छे से पक गया है, फिर उसको हम क्या करेंगे ऐसे साइड साइड में चावल को थोड़ा मैश कर लेंगे ताकि वो मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम उसमें ऐड करेंगे चीनी, तो चीनी हम जितना ऐड करेंगे पायस में तो आधा चीनी अभी ऐड करेंगे और आधा चीनी बाद में ऐड करेंगे। तो बाद में मैं उसको कैसे करके ऐड कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी ताकि उसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आए। तो आपका जो काजू और किशमिश आप जो भी डालेंगे ड्राई फ्रूट्स उसको फ्राई करके उसको डाल देंगे, और मैं इलायची भी इसमें 2-3 डाल दी हूँ ताकि उसका स्मेल जो है वो बहुत अच्छा आए। बाकी का जो आधा चीनी है उसको हम कैरेमल बना लेंगे। इसको जब हम ऐड करेंगे वो पायस के साथ आप देखिएगा कि उसका कलर कितना अच्छा आएगा। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अमूल का मिठाई मेड़, ये टेस्ट को बहुत अच्छा बना देता है पायस का। हमारा पायस बनके पूरा रेडी हो गया है। हमारा थर्ड रेसिपी है डालमा।
दालमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको धो के रख दिया था। आप अपने हिसाब से आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है आप वो ले सकते हैं। उसके साथ हम ऐड करेंगे दाल। आप कोई भी दाल ले सकते हैं, मतलब मूंग दाल भी इसके जगह ले सकते हैं, मूंग दाल से भी दालमा अच्छा बनता है। फिर हम उसमें ऐड करेंगे पानी। आप अपने अंदाजा से पानी लीजिए, कितने पानी में आपका वो वेजिटेबल्स और दाल बॉयल हो सकता है। और उसमें हम डालेंगे नमक और उसको बंद करके बॉयल कर लेंगे। वेजिटेबल्स और दाल बॉयल होने के बाद उसको छोंक लगाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे घी। घी थोड़ा जब गर्म हो जाए उसमें हम ऐड करेंगे पोंचो फुटनो और लेंगे दो तेज पत्ता, सूखी मिर्च और करी लीव्स। उसको एक दो मिनट स्टीयर करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। उसको दो मिनट स्टीयर करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे टोमेटोज। टोमेटोज के साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी, नमक और जीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर देंगे ताकि उसका कलर थोड़ा अच्छा हो जाए। फिर उसको 3 से 4 मिनट भून लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी दे के उसको मिक्स करके उसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि वो जो टोमेटोज़ है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मैश हो जाए। 4-5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के देखेंगे, अगर टोमेटोज सॉफ्ट हो गया होगा तो उसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे कढ़ाई में। फिर हम उसमें ऐड करेंगे वो बॉयल किया हुआ वेजिटेबल्स और दाल और उसको अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। लास्ट में हम ऐड करेंगे गरम मसाला और उसको मिक्स करके ढक के रख देंगे। हमारा डालमा तैयार हो गया है। हमारा फोर्थ जो रेसिपी है वो है टमाटो का एक स्पाइसी चटनी। उसके लिए हम पैन में लेंगे घी। घी जब थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे करी लीव्स और सूखी मिर्च। उसके साथ ही हम थोड़ा अदरक का पेस्ट भी मिक्स करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे पहले मतलब डालना भूल गई थी, लेकिन उसको बाद में मैंने मिला दिया है। अदरक डालने के बाद ही आप टमाटो को उसमें डालिए। जितना टमाटो आप चटनी बनाएंगे उतना ही टमाटो आप उसमें डालिए और उसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर उसके ऊपर नमक और थोड़ा सा हल्दी डालिए। इसमें आप थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर लीजिए। और मैं इसमें जो हरी मिर्च है उसको 3-4 हरी मिर्च को ऐसे कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैं स्पाइसी चटनी बना रही हूँ इसीलिए, और हमें थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च 3-4 डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर उसको ढक देंगे ताकि वो जो टोमेटो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसको पूरा धीमी आंच में पकाएंगे ताकि इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड ना करना पड़े, उसी में ही वो टमाटो अच्छे से मतलब मैश हो जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब वो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा तो आपका चटनी बनके रेडी हो जाएगा, आप उसको निकाल के खा सकते हैं।